एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे कलर टेलीविज़न के बारे में। कलर टेलीविज़न किस तरह से काम करते हैं और ये किस तरह से एक एडिटिव कलर मिक्सिंग थ्योरी पे काम करता है, किस तरह से एक प्राइमरी कलर जो हमारे पास होते हैं ग्रीन ब्लू और रेड, ये जो आरजीबी होते हैं रेड ब्लू और ग्रीन, ये प्राइमरी कलर को मिक्स करके विद द हेल्प ऑफ थ्योरी ऑफ एडिटिव कलर मिक्सिंग इसे मल्टीपल कलर को बनाया जा सकता है। और इसी कॉन्सेप्ट पर हमारा कलर टेलीविज़न का पूरा प्रोसेस है, पूरा कॉन्सेप्ट है। तो कलर टेलीविज़न किस तरह से काम करते हैं इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का जो क्लास है वो है कलर टेलीविज़न इन टेलीविज़न इंजीनियरिंग। कलर टेलीविज़न के मॉड्यूल हैं वो किस तरह से, उसके इंटरनली वो किस तरह से काम करता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसका पूरा क्या ऑपरेशन है और वो किस तरह से उसके वर्किंग प्रिंसिपल हैं इनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए, हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो हमें टेलीवाइज्ड करना है, जो हमें स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करना होता है विद द हेल्प ऑफ कलर कैमरा। तो इसके लिए हमारे पास इस ऑब्जेक्ट के इमेज को पिक करने के लिए हमारे पास कलर कैमरा है और यहाँ से इमेज को रिप्रोड्यूस किया जाएगा। इस जो ऑब्जेक्ट हमारे पास है उसके इमेज को, कलरफुल इमेज को रिप्रोड्यूस किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ कलर कैमरा। ठीक है, अब यहाँ से जैसा कि हमें पता है कि हर एक ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल रे को इमिट करते हैं, तो यहाँ से ऑप्टिकल रे, ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल रे हमारा इमिट होगा और वह जो ऑप्टिकल रे है ऑप्टिकल फिल्टर से पास होगा। मतलब क्या, ये ऑप्टिकल फिल्टर क्या है बेसिकली, ये जो फिल्टर है हमारे पास, जो भी ऑप्टिकल रे हमारे पास आएंगे उस ऑप्टिकल रे को, उस रे को ये फिल्टर आउट करेगा, उसके इंटेंसिटी को, उसके ब्राइटनेस को, जो भी पैरामीटर्स होंगे उस रे में उसे कहीं ना कहीं संशोधित किया जाएगा, उसे फिल्टर किया जाएगा, उसे जो भी रे हमारे पास आएंगे ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट से उस ऑब्जेक्ट के रे को यहाँ पर ऑप्टिकल फिल्टर द्वारा संशोधित किया जाएगा। और वह जो हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल हैं वो रेड ग्रीन और ब्लू कलर के जो भी मॉड्यूल हमारे पास है वहाँ पर ये रे कॉन्सेंट्रेट होगा, मतलब कन्वर्ज होगा एक पार्टिकुलर स्लाइड्स पर, जो हमारे पास मॉड्यूल ऑलरेडी है हमारे उस कैमरा में लगे हुए जो है रेड, जो है हमारे पास रेड ब्लू और ग्रीन। तो यहाँ से ऑप्टिकल जो हमारा ऑप्टिकल रे हमारा ऑब्जेक्ट से फॉल हुआ ऑप्टिकल फिल्टर पर, उसके बाद हमारे कलर जो प्राइमरी कलर के मॉड्यूल है आरजीबी रेड ग्रीन और ब्लू, उस मॉड्यूल पे हमारा ऑब्जेक्ट का जो रे है वो यहाँ पर फॉल होता है। और जब ये ऑप्टिकल सिग्नल, ऑप्टिकल रे जब इस मॉड्यूल से आरजीबी के मॉड्यूल से पास होता है तो एक पार्टिकुलर वोल्टेज प्रोड्यूस होता है यहाँ पर हर एक कलर के लिए। तो हमारे पास जो रेड कलर के लिए है वो भी आर वोल्टेज है जो R1 रेसिस्टर से पास होगा। जो ग्रीन कलर के जो हमारे पास सिग्नल है वहाँ से VG वोल्टेज होगा हमारे पास ग्रीन कलर के वोल्टेज, और हमारे पास ब्लू VB ब्लू कलर के जो वोल्टेज होंगे वो होंगे जो क्रॉस्पॉन्डिंग R1 R2 और R3 से पास होगा। इस तरह से यहाँ पर हमारे एक ऑप्टिकल सिग्नल जो है एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है, जो जो डिपेंड करेगा कि कितने उसमें वोल्टेज हैं। मतलब हर एक कलर का इंटेंसिटी अलग होने के कारण उसके वोल्टेज में भी वेरिएशन देखने को मिलेगा, और जब ये वोल्टेज में वेरिएशन होंगे तो ऑब्वियसली है कि करंट में भी वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आगे का जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि अब जो ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जो हमारे पास सिग्नल आए हैं, अब ये सिग्नल आगे की ओर ट्रांसमिट होता है और वो ट्रांसमिशन पाथ में एंटर करना शुरू करता है। हमारा जो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल था वो ट्रांसमिशन पाथ में आएंगे, और ट्रांसमिशन पाथ में आने के बाद ये कलर रिसीवर की ओर भी
मूव करेगा और हमारे पास मोनोक्रोम रिसीवर जो है उधर उधर भी ये सेंड होगा। इसका मतलब जो हमारे पास कलर टेलीविज़न है वो दोनों तरह के रिसीवर के लिए कंपेटिबल होते हैं। मतलब जो कलर टेलीविज़न होते हैं उसमें जो ट्रांसमिशन पाथ होते हैं वो दोनों तरह के रिसीवर के लिए कंपेटिबल होते हैं, कलर रिसीवर के लिए भी और ब्लैक एंड वाइट मतलब मोनोक्रोम रिसीवर के लिए भी वो कंपेटिबल होते हैं। तो यहाँ से सिग्नल जाने के बाद कलर रिसीवर के लिए हम बात करें, कलर रिसीवर में जब हमारा सिग्नल एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिशन पाथ के बाद हमारे कलर रिसीवर में आते हैं तो यहाँ से हमारा CRT ट्यूब कैथोड रे ट्यूब जहाँ पर मल्टीपल मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गन होंगे, 3 गन होंगे वो होंगे रेड ग्रीन और ब्लू इलेक्ट्रॉन गन। जिस तरह से ये हमारा इमेज यहाँ पर फॉल होगा, अब ये जो रेड ग्रीन और ब्लू इलेक्ट्रॉन गन है वो स्कैनिंग करना ऑब्जेक्ट को शुरू करेगा। मतलब क्या स्कैनिंग प्रोसेस यहाँ पर इमेज का शुरू होगा और वो इलेक्ट्रॉन गन जाकर के हमारे जो स्क्रीन होते हैं स्क्रीन पर जो फॉस्फोरस स्क्रीन होते हैं जो कि अल्टरनेट तरीके से कनेक्ट होते हैं और अरेंज किए जाते हैं, अल्टरनेटिवली अरेंज किए जाते हैं हमारे स्क्रीन पर फॉस्फोरस स्क्रीन पर जहां पर रेड ग्रीन और ब्लू डॉट्स देखने को मिलते हैं वहां पर जिस तरह से इलेक्ट्रॉन गन फॉल करते हैं और वो इलेक्ट्रॉन गन की जो बीम है जब वो स्क्रीन पे फॉल करते हैं तो वो पार्टिकुलर कलर को वहाँ पर इमिट करता है। जो हमारा इमेज बनेगा उस इमेज में वो कलर जो है हमें देखने को मिलेगा जो कलर के वो ऑब्जेक्ट हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो ये स्क्रीन है हमारा फॉस्फोरस स्क्रीन इस पर जो रेड ग्रीन और ब्लू डॉट्स जो अल्टरनेटिवली अरेंज्ड होते हैं वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन बीम फॉल करता है स्ट्राइक करता है तो वहाँ से एक ग्लो होता है कलर का और वो पार्टिकुलर इमेज के कलर को शो करना शुरू करता है। तो इस तरह से जो प्रोसेस हमारे कलर पार्ट में होता है कलर रिसीवर में सेम प्रोसेस ब्लैक एंड वाइट में मोनोक्रोम रिसीवर में भी होता है जहां पर एक इलेक्ट्रॉन गन होते हैं और वो जो इलेक्ट्रॉन गन होते हैं वो ब्लैक एंड वाइट ट्यूब होते हैं, ट्यूब के अंदर होता है वो इलेक्ट्रॉन गन जहाँ पर ब्लैक एंड वाइट हमारे इमेज को शो करता है सेम प्रोसेस के थ्रू। अब यहाँ पर बात आती है कि अब कलर को कंट्रोल कैसे किया जाए, तो एक हमारे पास कलर सेचुरेशन कंट्रोल होते हैं जो कि कलर को कलर के इंटेंसिटी को कंट्रोल करते हैं और एक होते हैं ह्यू। एक ऐसा टेक्निक है जो कि पार्टिकुलर स्कीम या पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट या पार्टिकुलर इमेज में किस तरह के एक्चुअल कलर है उस कलर को पिक करता है। जैसे हमारे स्किन का कलर जो होगा तो ह्यू जो है उस पार्टिकुलर स्किन के कलर को ही पिक करेगा और किसी भी कलर को वो पिक नहीं करेगा। तो बेसिकली कलर सेचुरेशन कंट्रोल जो है वो कलर के सेचुरेशन लेवल को कंट्रोल करता है, कलर के इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है और ह्यू उस पार्टिकुलर इमेज के एक्चुअल कलर को वो पिक करता है। तो ये हमारे पास दो कॉन्सेप्ट होते हैं कलर सेचुरेशन कंट्रोल और ह्यू। तो हमारे पास जो रिसीवर होते हैं कलर टेलीविज़न को जो रिसीवर होते हैं उसमें दो एडिशनल कंट्रोल्स होते हैं। वो जो कंट्रोल्स होते हैं वो एक कंट्रोल होता है कलर कंट्रोल और दूसरा होते हैं ह्यू कंट्रोल। ठीक है, तो ये किस बेसिस पे इसको डिफाइन किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि NTSC नेशनल टेलीविज़न सेचुरेशन कंट्रोल कलर टेलीविज़न रिसीवर हैज़ टू एडिशनल कंट्रोल्स नोन एज कलर एंड ह्यू कंट्रोल्स। तो ये क्या करते हैं, दिस आर द प्रोवाइड एट द फ्रंट पैनल अलोंग विद द अदर कंट्रोल्स। द कलर और सेचुरेशन कंट्रोल वेरीज द इंटेंसिटी ऑफ और अमाउंट ऑफ कलर इज रिप्रोड्यूस इन पिक्चर। तो कलर कंट्रोल सेचुरेशन कंट्रोल जो है बेसिकली वो करते क्या है, जो हमारे इमेज बनेंगे उसमें
क्या सेचुरेशन लेवल है, कितना इंटेंसिटी होना चाहिए किसी भी कलर का, उसको कंट्रोल करते हैं हमारे कौन, कलर सेचुरेशन जो कंट्रोल पैनल होता है। तो किसी भी इमेज का जो कलर होते हैं उसके इंटेंसिटी को मैनेज किया जाता है, किसी भी कलर के इंटेंसिटी को कंट्रोल किया जाता है कलर के द्वारा। और ह्यू क्या करते हैं, बेसिकली ह्यू जो है वो पार्टिकुलर कलर को पिक करता है जो कलर हमारे लिए रिक्वायर्ड है, जो कलर चाहिए उस इमेज को एग्जैक्ट उसी कलर को वो प्रोवाइड करता है, ये हमारा कहलाता है ह्यू। और इस तरह के जो कंट्रोल पैनल होते हैं वो पैल PAL जो कलर रिसीवर होते हैं, कलर रिसीवर तीन चार टाइप के होते हैं। पहला कलर रिसीवर आप देख लीजिए यहाँ पर है NTSC, सेकेंड कलर रिसीवर हमारे पास है PAL, और थर्ड कलर रिसीवर है हमारे पास, पहला NTSC, सेकेंड PAL और थर्ड है SECAM। क्या ये तीन हमारे पास रिसीवर होते हैं, टेलीविज़न रिसीवर, और तीनों में अलग अलग काम होता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो है वो NTSC जो होते हैं, NTSC यहाँ पर कलर सेचुरेशन कंट्रोल भी होता है और ह्यू कंट्रोल भी होते हैं, जबकि PAL कलर रिसीवर में टू नॉट नीड एनी टिंट कलर, मतलब यहाँ पर ह्यू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, मतलब ह्यू कंट्रोल यहाँ नहीं होते हैं। और जबकि सेकेंड SECAM में कलर रिसीवर बोथ टिंट एंड सेचुरेशन कंट्रोल आर नॉट नेसेसरी। तो SECAM जो है यहाँ पर सेचुरेशन और टिंट का कोई ज़रूरत नहीं होता है सेकेंड टेलीविज़न रिसीवर में। तो जिस तरह से ये एडवांस होता जाता है, क्योंकि इसके जो कलर और टिंट जो ह्यू है वो ऑलरेडी प्रीडिफाइन ऑटोमेटिकली वो कंट्रोल हो जाते हैं, तो जिस तरह से हम एडवांस रिसीवर में पहुंचते जाएंगे वहां पर कम से कम चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा, कम से कम टूल्स के ज़रूरत पड़ेंगे, और वो कहीं ना कहीं टेक्निकली एडवांस होते जाते हैं।